बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम लोग करने वाले हैं WhatsApp डाउट क्वेश्चन को सॉल्व। तो जो बच्चे WhatsApp ग्रुप में अपने डाउट को पूछते हैं, मैं क्या करता हूँ, उन क्वेश्चन का वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करता हूँ और वो जाके वहाँ से अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं। और जो बच्चे ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन मांगते हैं तो मैं उनको कॉपी पेज पर सॉल्व करके भी देता हूँ। अगर आप भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वहाँ पर दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपने क्वेश्चन को आप लोग भेजा करिए और आपको सॉल्यूशन अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ठीक है, एक बच्चे का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, तो वो क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ। वो है कोसेक ए, पहला क्वेश्चन है कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए, सेक ए अब माइनस में कॉस ए, और एक और ब्रैकेट है और वो है टैन ए और प्लस कॉट ए इज्क्वल टू वन। हमको प्रूफ करना है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए इज्क्वल टू क्या होता है, वन होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये होगा इज्क्वल टू, हमको वन लाना है। अब कोसेक को क्या राइट कर सकते हैं, वन अपॉन में साइन, क्या राइट कर सकते हैं, वन अपॉन में साइन माइनस क्या हो जाएगा साइन, ये हो गया। और सेक को राइट कर सकते हैं वन अपॉन में कॉस ए और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस ए, और टैन ए का क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, और फिर प्लस हो जाएगा कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इस ब्रैकेट का, तो एलसीएम लेंगे साइन ए आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए इंटू, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है वन, तो इनटू हो जाएगा वन अपॉन में साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का साइन में साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर इस साइन स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा वन। तो हम लोग इसको सॉल्व, हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है वन आ रहा है, और वन हमको प्रूफ करना था तो राइट हैंड साइड हम लोग का आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जो व्हाट्सएप ग्रुप में परसों पहला क्वेश्चन आया था वो था इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरे सॉल्यूशन को करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अगर ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ओपन करिए, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चन को कभी भी ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में है वन प्लस वन अपॉन में टेन स्क्वायर ए है, और यही इक्वल टू है वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर फोर ए। हमको लाना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही है, आप लोग अच्छे से राइट करेंगे। अब देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए लगा सकते हैं, और
इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, या फिर टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो किस भी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लोग करते हैं सेक स्क्वायर ए, ये हो गया, और एलसीएम लेंगे तो ये अपॉन में 1 आएगा, और एलसीएम कितना आएगा, टैन स्क्वायर ए ऊपर टैन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई, और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए ये रहा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और टैन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, या फिर टोटल अपॉन लगा दे तो एक ही 1 लगाना पड़ेगा हमको, एक ही 1, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो किस में है, साइन में है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर है वहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन के पावर 4 ए, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आप लोग उसको भी देख लीजिए, समझ में आया ना। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन क्या होगा, व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको क्वेश्चन को बताऊँगा, आपको वीडियो भेजूँगा, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई मैं करवाऊँगा, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और YouTube को हमेशा देखा करिए, मतलब क्या अपडेट आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चल रहा है, उन सभी को साथ में आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम है, क्या है, एम है, और फिर दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एन है, तो प्रूव दैट, प्रूव करिए कि एम इंटू एन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए एम इंटू एन यानी एम और एन का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो इन्हीं दोनों को देखिए, एक एम है एक एन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो एम इंटू एन कितना आएगा, एम ये है और एन ये है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एम की जगह पे एन की जगह पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यही आपका आ गया, ये प्रूफ हो गया कि एम इंटू एम एन इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ डाउट, ये जो डाउट क्वेश्चन है आपका नहीं है तो आप ना देखें, ये क्लास 10 का डाउट है तो आप लोग भी इसको देखिए, क्योंकि सब लोग देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा ना, आप लोगों का क्या होगा, प्रैक्टिस होगा अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट स्क्वायर ए, क्या है, कॉट स्क्वायर ए, और फिर है कोसेक स्क्वायर बी है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी
और फिर है कोसेक स्क्वायर ए, और इक्वल टू लाना है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी लाना है हमको, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर बी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे कोसेक को हमको कॉट के फॉर्म में चेंज करना होगा, यही करना होगा। तो चलिए क्या करते हैं, जो हमारा रिजल्ट है वो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी लाना है, राइट हैंड साइड को कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी लाना है। तो वहाँ पे कोसेक तो है नहीं, तो कोसेक को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कोसेक है उसको चेंज करते हैं कॉट में, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर बी है तो हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस लगाएंगे फिर है कॉट स्क्वायर बी है और ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, सिंपल था। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार इरेज करके राइट कर लेता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। दिया है एक्स इक्वल टू, इफ एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ये दिया है, और वाई इक्वल टू दिया है ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स की जगह पे ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वाई की जगह पे ए टैन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा, बी सेक थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा और प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा टेन थीटा। अभी होगा तो ऐसे ये भी, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, सारे साइन माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सिंपल था, माइनस में टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे है, और हमको एक फार्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन। आइडेंटिटी है ना जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन। तो सेक में से टेन अगर माइनस होगा तो वैल्यू कितना आएगा, वन। तो एक यहाँ पे है और ए स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों में अगर ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा और ब्रैकेट वन हो जाएगा, और इस तरीके से इन दोनों में भी कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और कहाँ गया, ये है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए
यहाँ पे पहले टैन है और फिर सेक है, यहाँ पे सेक है तो सेक को पहले लेंगे ना, क्योंकि सेक माइनस टैन, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर करेंगे तब वन होता है। तो इन दोनों में माइनस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट ब्रैकेट वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, दिया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। क्या दिया है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 4 होगा। ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, एक्स दिया है और यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए हमको दिया है, हम लोग प्रूफ करते हैं या फिर सॉल्यूशन। तो दिया क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इस साइड में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और 1 को इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस 1 भी आ गया और फिर होल स्क्वायर भी लगा है तो इस 2 को भी डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, अपॉन में 4 हो वो अपॉन में 2 होगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमको निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, 4 होता है। अब चलिए हम लोग साइन के पावर 6 थीटा और कॉस के पावर 6 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, अब इसको चाहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको चाहे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तब बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो माइनस में ए बी होता है। तो एक ब्रैकेट में ए की जगह पे साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा और माइनस में क्या होगा, साइन कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाना है तो ये तो 1 हो जाएगा तो हमारा ब्रैकेट में बचा साइन 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो पता है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, लेकिन इसका क्या होगा,
इसको भी चलिए होल स्क्वायर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? होल स्क्वायर। तो इसको राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी चाहिए, तो टू ए बी यानी टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं और टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग अपने से टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किए और टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट किए और ये तो अभी रह ही गया है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म मिल के बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म क्या मिल के बनाएंगे? ये बनाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म मिल के ये फॉर्मूला बनाएंगे। अब देखिए माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन और वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा, तो वन माइनस थ्री और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है? एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में फोर, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अब इसके अपॉन में वन और एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और टोटल अपॉन में कितना आ जाएगा? फोर। तो जो हमने प्रूफ करना था वो ये था फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में फोर, और ये साइन के पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस के पावर सिक्स थीटा इक्वल टू ये होता है, यही हमको लाना था। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे अच्छे से।